हे गाइस और एक कमाल के वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। भाई आज आपको बताने वाला हूँ बेस्ट फोन अंडर 10,000 रुपीज। अगर आपके बजट है भाई 10,000 रुपए एंड अभी आप नया साल में एक फोन खरीदने चाहते हो अंडर 10,000 रुपीज, तो भाई आपके लिए कौन सा फोन बेस्ट होने वाला है वो आपको बताएंगे। जो मैंने फोन इधर रखा है ना भाई, सबसे बढ़िया आपको प्रोसेसर मिलेंगे, जो भाई गेमिंग आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, डेली टास्क में कोई भी लैग्स नहीं आने वाला है, एंड इसमें आपको 6,000 mAh तक बैटरी मिलेंगे, फास्ट चार्जर का सपोर्ट भी आपको जाएंगे, टाइप सी पोर्ट आपको मिल जाएंगे, और भाई क्या चाहिए इसमें आपको, एंड कैमरा भी बहुत ही अच्छे खासे दे रखा है, प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छे कैमरा भी इधर आपको मिल जाएंगे। तो भाई ज्यादा बातें नहीं करेंगे, फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। सो दोस्तों, इधर हमने जो फोन रखा है रैंकिंग वाइज रखा है, तीन होके हम एक पे जाएंगे, तो भाई लास्ट तक जरूर देखते रहिए। सो नंबर तीन पे जो हमने फोन रखा है वो रखा भाई माइक्रोमैक्स की तरफ से आते हैं, माइक्रोमैक्स N2B जो एक इंडियन ब्रांड है। अगर आपको एक इंडियन ब्रांड चाहिए ना, इंडियन ब्रांड के फोन चाहिए, तो भाई इस फोन की तरफ आप देख सकते हो। इसका फीचर्स बहुत ही कमाल का है, प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ही कमाल के फीचर्स दे रखा है। सो गाइस सबसे पहले बात करेंगे इस फोन की मेन एरिया फीचर्स के बारे में। जैसे इसमें आपको जो डिस्प्ले मिलेंगे 6.52 इंच का एक HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिल जाएंगे, एंड रियर पे आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने के लिए मिल जाएंगे, एंड इसका जो पीक ब्राइटनेस जाते हैं ना भाई 400 nits तक इसका पीक ब्राइटनेस जाते हैं, जो भाई बहुत ही अच्छे खासे आपको डिस्प्ले पे ब्राइटनेस देखने के लिए मिल जाएंगे। मतलब ब्राइटनेस की कमियां इधर आपको महसूस नहीं होने वाले, बहुत ही अच्छे इधर डिस्प्ले लगाया गया है माइक्रोमैक्स की तरफ से। एंड बात करेंगे इस फोन की प्रोसेसर, तो यूनिसॉक का प्रोसेसर आता है, जो एक बहुत ही कमाल के प्रोसेसर है भाई T610, जिसमें आप बहुत ही कमाल के गेमिंग कर सकते हो, डेली टास्क में कोई भी लैग्स नहीं आने वाला है। आपको जैसे पता होंगे भाई यूनिसॉक T610 जो प्रोसेसर है भाई MediaTek Helio G70 जैसा ही पावरफुल है, ठीक है। तो बहुत ही कमाल के प्रोसेसर है, एंड इसमें आपको मान ली G52 MP2 का GPU भी मिलेंगे, जो भाई आप अच्छे खासे गेमिंग कर सकते हो, डेली टास्क में कोई लैग देखने के लिए नहीं मिलेंगे, बहुत ही कमाल के प्रोसेसर है, ठीक है। प्राइस के बहुत ही कमाल के प्रोसेसर मिल जाते इधर। एंड बात करेंगे इसके कैमरा, तो पीछे आपको टोटल दो कैमरा मिलेंगे, 13+2 MP का दो कैमरा मिलेंगे, फ्रंट पे आपको 5 MP का एक नॉच वाला सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिल जाएंगे, जो भाई बहुत ही अच्छे फोटोज भी आप इससे क्लिक कर सकते हो, एंड 5000 mAh की बैटरी मिलेंगे, साथ में 10W का एक नॉर्मल चार्जर दे रखा है। 10W मतलब इस प्राइस पॉइंट पे और क्या ही एक्सपेक्ट आप कर सकते हो, चार्जर फास्ट चार्जर तो इधर आपको नहीं मिलने वाला है, एंड 10W का चार्जर इधर आपको मिलेंगे। एंड बात करेंगे इसकी अदर कनेक्टिविटी, टाइप सी का बोर्ड मिल जाएंगे, 3.5 mm हेडफोन जैक आपको मिलेंगे, और इसमें आपको एंड्रॉइड 11 मिलेंगे, जो एक प्योर स्टॉक एंड्रॉइड के साथ आते हैं, बहुत ही अच्छे आपको कोई भी ब्लोटर देखने के लिए नहीं मिलेंगे, बहुत ही क्लीन एंड्रॉइड मिलेंगे इधर आपको, ठीक है। तो भाई कोई भी आलतू फालतू ब्लोटर देखने के लिए नहीं मिलेंगे, ये एक आपको एडवांटेज हो जाते हैं माइक्रोमैक्स N2B में। एंड बात करेंगे इसकी प्राइसिंग, तो भाई ये आपको एक ही वेरियंट में मिलेंगे 6GB 64GB के साथ, जिसका प्राइसिंग है 9,999 रुपए। 10,000 में यह फोन आपको मिलेंगे, फ्लिपकार्ट से इसको आप बाय कर सकते हो, और इसका जो स्टोरेज है आप एक्सपेंड भी कर पाएंगे, 256 GB तक इसके स्टोरेज आप एक्सपेंड भी कर पाएंगे मेमोरी कार्ड के साथ। तो भाई बहुत ही कमाल के फोन आ रहा है माइक्रोमैक्स की तरफ से, इसके तरफ आप जरूर से देख सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे नंबर 2 पे जो हमने फोन रखा है वो रखा भाई इन्फिनिक्स की तरफ से आता है, इन्फिनिक्स हॉट 11, बहुत ही कमाल के फोन है, बताएंगे इसका फीचर्स। तो सबसे पहले बात करेंगे इस फोन के डिस्प्ले के बारे में, तो 6.6 इंच का एक फुल HD डिस्प्ले मिलेंगे इधर आपको, IPS LCD डिस्प्ले मिलेंगे बट फुल HD, बट माइक्रोमैक्स N2B में आपको जस्ट HD मिलेंगे, बट इन्फिनिक्स हॉट 11 में आपको फुल HD डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाएंगे। ये भाई एक एडवांटेज आपके लिए हो सकता है, एंड आपको इधर भी आपको रियर पे फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने के लिए मिल जाएंगे, 5000 nits तक इसका पीक ब्राइटनेस मिलेंगे, जो बहुत ही कमाल के ब्राइटनेस आपको देने वाला है। तो भी एक बहुत ही अच्छे डिस्प्ले भी इधर आपको मिलेंगे इन्फिनिक्स की तरफ से। नेक्स्ट हम बात करने वाले इस फोन की प्रोसेसर के बारे में, तो भाई इधर आपको मिलेंगे MediaTek Helio G70 के प्रोसेसर, जो एक बहुत ही कमाल के प्रोसेसर है, माली G52 MC2 का GPU भी मिलेंगे, जो भाई आप बहुत ही कमाल के गेमिंग कर सकते हो, डेली टास्क में नो लैग्स, ठीक है, बहुत ही कमाल के प्रोसेसर है। एंड बात करेंगे इसकी कैमरा, तो भाई पीछे आपको टोटल दो कैमरा मिलेंगे, बट तीन कैमरा का लेआउट देखने के लिए मिल जाएंगे, बट तीन कैमरा नहीं है, इधर दो कैमरा है, 13+2 MP का दो कैमरा दे रखा है, और भाई 8 MP का एक पंचोल सेल्फी कैमरा मिलेंगे, जो बहुत ही कमाल के सेल्फीज आप इस फोन से खींच पाएंगे, साथ में आपको नॉच मिलेंगे। तो भाई बात करेंगे इसकी बैटरी, तो 5020 mAh की बैटरी दे रखा है, साथ में आपको 10W का नॉर्मल चार्जर मिलेंगे, इधर भी आपको फास्ट चार्जिंग देखने के लिए नहीं मिलेंगे, फास्ट चार्जिंग आपको मिलेंगे नंबर 1 फोन पे, तो भाई नंबर 1 फोन जरूर से देख लेना। एंड भाई बात करेंगे इसकी अदर कनेक्टिविटी, टाइप्स का बोर्ड मिलेंगे, 3.5 mm फोन जैक आपको मिलेंगे, एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ द बॉक्स, 100S 7.6 पे ये रन करता है। एंड बात करेंगे इसकी प्राइसिंग, तो भाई 4GB 64GB का प्राइसिंग, 10,000 में ये फोन आपको मिलेंगे, फ्लिपकार्ट से इसको आप बाय कर सकते हो, एंड इसका स्टोरेज भी आप एक्सपेंड कर पाएंगे बाय माइक्रो SD कार्ड, 256GB तक इसके स्टोरेज अभी आप एक्सपेंड
कर पाएंगे। तो भाई बहुत ही कमाल का एक फोन आ रहा है इन्फिनिक्स की तरफ से, तो भाई इसकी तरफ भी आप जरूर से देख सकते हो, इन्फिनिक्स हॉट 11s। नेक्स्ट हम बात करेंगे नंबर वन पे जो हमने फोन रखा है वो रखा भाई रियलमी की तरफ से आते हैं, रियलमी नार्जो 30 है। बहुत ही कमाल के फोन है। क्यों भाई, बात करेंगे सबसे पहले इस फोन की डिस्प्ले के बारे में। तो भाई 6.5 इंच का एक HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिलेंगे। इधर आपको HD मिलेंगे, फुल HD नहीं मिलेंगे। तो भाई इसमें भी आपको रियर पे फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएंगे। 570 निट्स तक इसका पीक ब्राइटनेस जाते हैं, जो भी थोड़ा बहुत ज़्यादा आपको ब्राइटनेस देने वाला है इनफिनिक्स हॉट 11 एंड माइक्रोमैक्स इन 2B के मुकाबले। ठीक है, तो भाई इसमें आपको मिलेंगे मीडियाटेक हीलियो G85 का प्रोसेसर, जो एक भाई बहुत ही कमाल के प्रोसेसर है। मीडियाटेक हीलियो G85 मीडियाटेक हीलियो G70 से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है एंड बहुत ही अच्छे गेमिंग कर सकते हो, और भाई डेली टास्क में कोई भी इश्यूज नहीं आने वाला है। एंड माली G52 MC2 का GPU भी मिलेंगे, जो बहुत ही कमाल के गेमिंग आप कर सकते हो, मतलब BGMI को आराम से खेल सकते हो, लैग स्प्रेड है, अल्ट्रा पे खेल सकते हो, मतलब 40 FPS पे आप खेल सकते हो, बट बहुत ही कमाल के स्मूथनेस आपको देने वाला है। एंड बात करें इसके कैमरे, तो भाई इधर भी आपको 13+2 मेगापिक्सल का दो कैमरे मिलेंगे, 8 का एक पंचोल सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिलेंगे। इसका कैमरा उतना अच्छा नहीं है, बट आपको परफॉर्मेंस बहुत ही कमाल के मिलने वाला है। एंड बात करें इसकी बैटरी, तो भाई इधर आपको बैटरी मिलेंगे 6000 mAh की बैटरी मिलेंगे, साथ में 18W का फास्ट चार्जिंग भी मिल जाएंगे, जो भी बहुत ही जल्दी आपके बैटरी को ये चार्ज करने वाला है। एंड टाइप सी का पोर्ट दे रखा है, 3.5mm हेडफोन जैक आपको मिलेंगे, एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ द बॉक्स, रियलमी वाई पे ये रन करता है। तो भाई बात करेंगे इस फोन की प्राइसिंग के बारे में, तो भाई ये जो फोन है ना भाई 2 बिलियन में आ रहा है, 3GB 32GB, जिसका प्राइस है भाई 8699 rupees। 8700 में ये फोन आपको मिलेंगे जो है 3GB 32GB एंड 4GB 64GB आपको मिलेंगे 9699 9700 में ये आपको 4GB 64GB मिल जाएंगे। एंड इसका स्टोरेज भी आप एक्सपेंड कर पाएंगे भाई माइक्रोएसडी कार्ड स्लॉट अप टू 256GB तक। तो भाई ये भी बहुत ही कमाल के फोन है, रियलमी नार्जो 30 है, इसकी तरफ भी आप देख सकते हो। अगर आपको एक पावरफुल प्रोसेसर चाहिए तो भाई जरूर से रियलमी नार्जो 30 के साथ जा सकते हो। अगर आपको HD डिस्प्ले चाहिए, फुल HD, अगर आप ज़्यादा वीडियोस वगैरह देखते हो, तो भाई आप जरूर से इन्फिनिक्स हॉट 11 को परचेस कर सकते हो। अगर आपको एक इंडियन ब्रांड चाहिए, साथ में आपको अच्छा मतलब प्रोसेसर चाहिए, अच्छा कैमरा भी हो एंड बैटरी भी बैकअप अच्छा हो, तो भाई आप माइक्रोमैक्स इन 2B के साथ जरूर से जा सकते हो। भाई ये था 3 फोन जो भाई इसी टाइम में सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से। आपको कैसा लगा फोन, कैसा लगा वीडियो, आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हो। ऐसे वीडियोस आपको आगे भी मेरे चैनल में देंगे, तो भाई जरूर से सब्सक्राइब करके जाना एंड वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर सकते हो। तो भाई चलते मिलते हैं नेक्स्ट और एक कमाल के वीडियो, तो बाय बाय।